हसदेव अरण्य मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। सीएम ने कहा, पेड़ नहीं कटेगा तो कोयले का उत्खनन कैसे होगा? कोयले का उत्खनन नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? हसदेव अरण्य में विरोध करने वाले दिल्ली में जाकर मांग करें, खदान का अलॉटमेंट नहीं रहता तो पेड़ कटने का सवाल ही नहीं उठता। विरोधी पहले अपने घर का पंखा कूलर बंद करें, ऊर्जा चाहिए कि नहीं ये देश तय कर ले, मांग करें तो केंद्र सरकार के पास करें। आज कोयले का संकट पूरे देश में है, सरकार पैसेंजर ट्रेनें बंद कर रही है, इस मामले में भारत सरकार का दोहरा स्टैंड है। आज जो खदान चल रही है उसका एक्सटेंशन है, उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ आलोक शुक्ला जी को, पहले अपने घर का बिजली पंखा कूलर एसी बंद करें, उसको कोयला नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए थे नहीं ये तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, राजस्थान जनता के लिए। तो यदि देश को कोयला ऊर्जा चाहिए नहीं चाहिए देश तय कर ले, मुझे क्या तकलीफ है, बल्कि राज्य सरकार तो उसे नुकसान ही है। 100 रुपया प्रति टन मिलता है रॉयल्टी, यदि वो नीलाम होता तो 3100 रुपये तक के जाता। हमको तो यदि उस हिसाब से करें, हिसाब लगाएं तो 9 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, राज्य सरकार को तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन व्यापक जनहित को देखते हुए देश हित में आज कोयला के संकट पूरे देश में है, और इसलिए उसको भारत सरकार ने अनुमति दी, भारत सरकार ने लाट किया। यदि अपने राज्य का कोयला हमारे हाथ में होता तो हम अपने राज्य कोयला दूसरे क्यों देते भाई?